यमुनानगर में इकोनॉमिक सेल की टीम ने पीडब्ल्यूडी में नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से ठगी करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि 45 लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे 15 लाख रुपए ठग लिए। इकोनॉमिक सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर सोमवती ने बताया कि आरोपी खुद को पीडब्ल्यूडी विभाग का बताकर और उन्हें आई कार्ड दिखाकर उनका विश्वास जीतकर ठगी करते थे। नौकरी लगवाने के नाम पर किसी से 30,000 तो किसी से 1.5 लाख रुपए तक लिए गए। इस मामले में तेलीपुरा के रहने वाले गुरमेल उर्फ गुरमान, अंबाला के गगनपुर गांव के रहने वाले रामकुमार को गिरफ्तार किया गया है। गुरमेल ट्रक ड्राइवर है तो वहीं रामकुमार मजदूरी करता है। इकोनॉमिक सेल की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। सेल इंचार्ज सोमवती ने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 45 युवाओं को पीडब्ल्यूडी में नौकरी का झांसा दिया। इन लोगों से तकरीबन 15 लाख रुपए भी ठग लिए गए। उन्होंने बताया कि जगाधरी शहर पुलिस को विजयनगर कॉलोनी के रहने वाले अमर सिंह ने शिकायत दी थी, जिसमें धारा 420 और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। मुकदमे का मजबूर ये था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आई कार्ड दिखा के या पीडब्ल्यूडी विभाग में किसी ऑफिस में बैठ के जो हमारे पीड़ित है कंप्लेनेंट है उनको ये विश्वास दिलाते कि वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करते हैं, तो ये झांसा देकर उनसे उनके कागजात आई कार्ड पैन कार्ड और दस्तावेज जो भी मूल दस्तावेज हैं वो लिए गए और करीब 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपये तक उनसे पैसे भी दिए गए। हमारे पास अब तक 8 कंप्लेनेंट आ चुके हैं और जांच में पता लग रहा है कि करीब 40 से 45 लोगों के साथ में ये भी पता लगे। ये पीडब्ल्यूडी विभाग में यमुनानगर में किसी दफ्तर में बैठ के उनको ये विश्वास दिलाते थे कि वो यहाँ पे सुपरवाइजर हैं और इनको भी वहीं उसी विभाग में नौकरी दिलवाते। अभी मैम आज जो कोर्ट में इनको पेश किया गया है 2 दिन का रिमांड होने मांगा। उन्होंने आरोपियों के झांसे में आकर अपने साले विपिन को और नौकरी लगवाने के 60,000 एडवांस और मौसी के बेटे साहिल को नौकरी लगवाने के नाम पर 50,000 एडवांस दिए। वहीं उसकी पत्नी की नौकरी लगवाने के नाम पर 45,000 रुपए भी एडवांस दिए थे। बाद में भी आरोपी उनसे पैसे लेते रहे। वो अपनी पत्नी और साले को नौकरी लगवाने के नाम पर लगभग 2 लाख रुपए दे चुका था, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगी। जब उसने अपने मामा से उसकी नौकरी के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उन्हें बाद में पता चला कि गुरमेल ने कई लोगों को नौकरी लगाने का झांसा देकर उनके साथ ठगी की है। वहीं जब इस मामले में उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उनके पैसे वापस नहीं दिए गए। पिछले साल 10 जुलाई को इस पूरे मसले को लेकर सरस्वती नगर में पंचायत हुई थी। वहां पर उसने लिखित में दिया कि वो पेमेंट वापस कर देगा। उन्हें पता चला कि आरोपी ने मुस्तफाबाद के रहने वाले मनीष और ककड़ौनी के रहने वाले सोहन लाल को भी नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसों की ठगी की है। इस शिकायत पर पुलिस ने 28 अक्टूबर 2021 को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी अब की गई। तो वहीं इकोनॉमिक सेल की इंचार्ज इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसे जालसाजों से सचेत रहने की जरूरत है। सही माध्यम से ही नौकरी अप्लाई करें और किसी को भी अपने दस्तावेज ना दें। सरकार की विभिन्न वेबसाइट्स पर नियमों के तहत ही अप्लाई करें। ठगों के जाल में ना फंसें और ना ही इस तरह से किसी के भी नौकरी को लेकर पैसा दें। सत्य खबर के लिए यमुनानगर से सुमित ओबरॉय की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।